हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी अपनी चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, जिसमें काफी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। आपको इसका डाटा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुल फॉर्म फिल 31 लाख, लगभग लगभग 31 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया था एसएससी जीडी का। और इसमें जो कुल वैकेंसी थी वो वैकेंसी थी 58,373, 58,373। तो दोस्तों, वैकेंसी काफी संख्या में थी। अभी अभी इसकी आंसर शीट जारी हुई है, 26 अप्रैल 2019 को इसकी आंसर शीट आई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, मतलब इसका अनुमानित कट ऑफ कितना जाएगा। सर, मेरे इतने नंबर है, मेरा कट ऑफ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, या मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, यदि आपके मन में भी इसी प्रकार का कोई डाउट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें फिजिकल होता है उसका कट ऑफ कम ही रहता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसकी हाइट में जिसकी दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि एसएससी जीडी में फिजिकल भी कराया जाता है और इसका फिजिकल काफी टफ होता है। तो जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें फिजिकल भी होता है रिटर्न के साथ साथ, उनका कट ऑफ कम जाता है नॉर्मल एग्जाम की कट ऑफ की अपेक्षा। तो एसएससी जीडी का जो कट ऑफ रहेगा, जो दूसरे एग्जाम होते हैं उनसे तो कम ही कम जाना है, ये तो श्योर है, 100% बात सही है। इसका कट ऑफ नॉर्मल ही रहेगा। तो क्योंकि इसमें अभी फिजिकल का कट ऑफ आएगा कि फिजिकल के लिए कितना कट ऑफ गया है वो अलग आएगा। फिजिकल होने के बाद, आफ्टर फिजिकल, आपकी फाइनल लिस्ट, फाइनल मेरिट बनेगी, तो उसका कट ऑफ अलग जाता है। तो आपको मालूम है कि इसमें वैकेंसी काफी ज्यादा थी, 58,373, फॉर्म भी काफी फिल हुए थे, 31 लाख समथिंग। अब इसमें जो इसका आंसर शीट आई है, तो आपके मार्क्स आए हैं, आपने मार्क्स चेक कर लिए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि कितना इसका कट ऑफ जा सकता है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, कुछ बोलते हैं बहुत कम जाने वाला है। तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। इसका कट ऑफ कितना रहेगा, तो चलिए जानते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कट ऑफ के बारे में। एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यहाँ पर कैटेगरीज हो रही है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पर आपका जेंडर मेल और फीमेल। तो दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 70+ आ रहे हैं, तो आपको 100% फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 66+ हैं, 66 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं या फिर 66 आ रहे हैं, तो आपको 100% फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स जो है 60+ बन रहे हैं, तो आपको 100% फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 55+ हैं, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल हैं और आपके मार्क्स जो है 65+ हैं, तो फिजिकल के लिए आपको कॉल आएगा। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल हैं और 61 आपके मार्क्स हैं, तो फिजिकल के लिए बिल्कुल बुलाया जाएगा आपको। एससी कैटेगरी फीमेल हैं आप और 54 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपको फिजिकल के लिए बिल्कुल बुलाया जाएगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल हैं और आपके जो मार्क्स हैं 50+ हैं, तो आपको 100% फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, मैंने बताया है कि ऐसा मत सोचना कि यदि आपके मार्क्स इस रेंज से कम है तो आपका नहीं होगा, ऐसा अभी बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अभी जो भी इसका कट ऑफ रहेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ भी जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों के बढ़ेंगे मार्क्स, तो हो सकता है यदि आपके कम भी मार्क्स हैं तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपके मार्क्स बढ़ के बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। तो बिल्कुल अभी मत सोचना, अभी रिजल्ट का इंतजार करना, और जैसे ही जितना कट ऑफ जाता है आपको पता चल जाएगा, जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मार्क्स मैसेज करके बताइए कि आपकी जो मार्क्स हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए।